अच्छा, जो इसकी डिविएशन होती है ना, वो यूनिलॉक्युलर भी हो सकती है और अल्टरनेट भी हो सकती है। यूनिलॉक्युलर होगी तो फिर उसमें रिड्यूस विजन होगी उस अफेक्टेड आई में। अल्टरनेट होगी ना डिविएशन, तो दोनों आंखों में इक्वल विजन लॉस होगी, तो फिर वो बैलेंस आउट हो जाता है। फिर डिप्लोपिया हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा अनकॉमन होता है। ठीक है, फिर होता है कि इसमें नॉन पैरालिटिक स्क्विंट में प्राइमरी और सेकेंडरी डिविएशन सेम होती हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। अब प्राइमरी और सेकेंडरी डिविएशन होती क्या है? अच्छा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को फोकस में लाना होता है ना, तो जो आई होती है वो थोड़ी सी पहले डिविएट होती है, फिर वो एकदम से रुकती है और फोकस करती है। तो प्राइमरी डिविएशन उसको बोलते हैं जो टाइम जो नॉर्मल आँख लगाती है ना फोकस करने में, उसको प्राइमरी डिविएशन बोलते हैं। फिर जो स्क्विंटेड वाली आई जितना टाइम लगाती है फोकस करने में, उसे सेकेंडरी डिविएशन होती है। तो इसमें नॉन पैरालिटिक वाले में प्राइमरी और सेकेंडरी में जितना टाइम लगता है ना, वो इक्वल होता है। और एम्ब्लायोपिया भी प्रेजेंट हो सकता है नॉन पैरालिटिक में। एम्ब्लायोपिया क्या होता है? ये विजन लॉस हो रही होती है, हालांकि आंख में कुछ नज एज सच प्रोमिनेंटली नज़र नहीं आ रहा होता कि क्यों लॉस हो रही है, बस हो रहा है। ठीक है, उसे एम्ब्लायोपिया बोलते हैं। ठीक है, अब असेसमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो हम हिस्ट्री लेंगे, और हिस्ट्री में सब कुछ पूछना है कि कब हुआ, कोई इलनेस थी, कोई इंजरी हुई, फैमिली हिस्ट्री क्या है, ट्रीटमेंट क्या करवाई है, सब कुछ। ठीक है, फिर एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन जो है वो जो हमने पहले किया था ना, इधर जो हम लोगों ने किया है, उसकी और इसकी दोनों की सेम है। ठीक है, लेटेंट स्क्विंट वाले के लिए जो हमने की थी ना, उसकी तकरीबन सेम ही है। पहले वही बात, विजुअल एक्विटी टेस्ट करेंगे। ठीक है, फिर जो है एक्स्ट्रा ऑक्युलर मूवमेंट्स देखेंगे, फिर कवर अनकवर टेस्ट से देखेंगे कि स्क्विंट है या नहीं। ठीक है, अब लेट्स से इसमें पॉजिटिव हो गया कि स्क्विंट है कवर अनकवर टेस्ट में, फिर जो है हम लोग उसकी देखेंगे कि कितनी डिविएशन है। ठीक है, एंगल ऑफ डिविएशन क्या है। इसके लिए चार टेस्ट होते हैं। पहला होता है हर्शबर्ग कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट। ठीक है, इसमें जो है ना, पेशेंट को बोलते हैं कि एक लाइट होती है, उधर अपनी आँख फोकस करे। ठीक है, फिर जो सेंट्रल कॉर्नियल रिफ्लेक्स में जो डिस्प्लेसमेंट आ रही होती है ना, वो नोटिस करते हैं हम लोग। तो 1 मिलीमीटर अगर डिस्प्लेसमेंट आएगी, तो मतलब कि 7 डिग्री आँख टेढ़ी है। ठीक है, मतलब स्क्विंट है। अब ये हर्शबर्ग कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट हो गया। दूसरा होता है क्रिम्सकी कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट। इसमें जो है ये पेशेंट से वही अगेन एक पॉइंट लाइट होती है, उससे बोलते हैं कि इससे ज़रा अपनी आँख फिक्सेट करें उस पर। तो फिर साथ में ना एक उस नॉर्मल आई के सामने एक प्रिज्म डालते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग जो है ना उस मतलब एक तरह से हमने कवर कर दी ना, नॉर्मल आँख में प्रिज्म डालते हैं, तो हम जो दूसरी स्क्विंटिंग आया है ना, उसका हम लोग कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स देखते हैं। सही है, फिर होता है प्रिज्म एंड कवर टेस्ट। अब इसका ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका सिर्फ नाम ही काफ़ी है। ठीक है, फिर लास्ट वाला होता है साइनोफोर। ठीक है, अब इसके बाद जो है असेसमेंट में हम लोग करते हैं साइक्लोपीजिक रिफ्रैक्शन करते हैं। ठीक है, एट्रोपीन या फिर साइक्लोपेंटोलेट डाल के हम लोग उसकी रिफ्रैक्शन चेक करते हैं आँख की। ठीक है, फिर फंडस एग्जामिनेशन से हमें रेटिना की सारी पैथोलॉजी पता करती है कि रेटिना में कोई ख़राबी तो नहीं है। फिर जो है वही हम लोग रेशो चेक करते हैं, ACA रेशो। ठीक है, नॉर्मली ये 3/1 होना चाहिए, तो वो हम लोग चेक करेंगे। अब ट्रीटमेंट जो है उसमें क्या होता है कि पहले तो ट्रीटमेंट जो है, पहले हम लोग रिफ्रैक्टिव एरर जो है ना, उसको सही करते हैं। ठीक है, जो अगर नियर साइटेड या फार साइटेड है, जो भी है, हम लोग उसकी ग्लासेस लगा के वो सही करते हैं। फिर नेक्स्ट होती है एम्ब्लायोपिया, हो रहा था ना इसमें, तो उसकी हम लोग थेरेपी करते हैं। अब एम्ब्लायोपिया में क्या करेंगे, जो भी अफेक्टेड आया ना, उसको हम पैच कर देंगे, और मतलब दूसरी आंख उससे यूज़ करवाएंगे ताकि वो नॉर्मलाइज हो। ठीक है, फिर बायफोकल ग्लास देते हैं। ये इसलिए दे रहे थे क्योंकि एबनॉर्मल रेशियो था ना AC/A का, अगर वो एबनॉर्मल हो तो फिर बाईफोकल लेंस देते हैं, जिसमें कॉन्वेक्स ग्लास यूज़ होता है करेक्शन के लिए। फिर एक तो यही ऑर्थोपेडिक एक्सरसाइज और ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेस करवाएंगे ताकि बायनोक्युलर सिंगल विजन अचीव हो जाए। ठीक है, आंखों की एक्सरसाइज करवाएंगे। कुछ भी काम नहीं करा तो सर्जरी करेंगे। ठीक है, अब सर्जरी दो तरह की होती है, रिसेशन और रिसेक्शन।
रिसेशन में क्या होता है कि लेट्स से कोई मसल है जो कि बहुत ही स्ट्रांग है, जिसकी वजह से आई डिविएट हो रहा है, ठीक है, वो अपनी तरफ पुल करता है ना वो मसल, वो बहुत स्ट्रांग है, तो हम उसमें रिसेशन में क्या करते हैं, उस स्ट्रांग मसल को वीकन करेंगे, ठीक है, उसके जो नॉर्मल साइट है ना उधर से निकाल के उसे कहीं पोस्टीरियर टू द इक्वेटर जो है ना हम लोग जोड़ देंगे, ताकि जो टर्निंग फोर्स है ना वो कम हो जाए। ये रिसेशन थी। रिसेक्शन में जो वीक मसल होता है ना उसको हम स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि उसको उसका जो नॉर्मल जहाँ पे इंसर्ट होता है उसे रिमूव करके एक किसी मतलब करीब उस मसल को शॉर्ट करके वापस अटैच करते हैं, ठीक है, वो शॉर्टन हो जाएगा मसल तो फिर उसकी टर्निंग फोर्स इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये इसकी ट्रीटमेंट थी। अब जो है सारे ये जो हम लोगों ने किया था ना, इज़ोट्रोपिया की टाइप्स होती हैं कॉन्जेनाइटल, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड में ये सारी, फिर एक्सोट्रोपिया में ये सारी, वो आगे इन लोगों ने डिटेल में दी दिया है, उसको बस ऊपर ऊपर से करना है, ठीक है, पता होना चाहिए कि क्या है। अब कॉन्जेनाइटल हमने ऑलरेडी कर दिया, ये फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ में होता है, ठीक है, इसमें जो एंगल ऑफ डिविएशन होती है ना वो यूजली 30% डायोप्टर्स होती है, मतलब 15 डिग्री आंख स्क्वेंट ये होगी, ठीक है। फिक्सेशन जो है ऑल्टरनेट फिक्सेशन होती है प्राइमरी पोजिशन में, कोई उसमें वो नहीं होता। फिर क्रॉस फिक्सेशन में ये जो है ना लेफ्ट आई, जो क्रॉस फिक्सेशन में क्या हो रहा होता है कि जो चाइल्ड है वो अपनी लेफ्ट आँख यूज़ कर रहा होता है राइट साइड को देखने में, क्योंकि स्क्विंट हुई हुई है ना। फिर जो है रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो नॉर्मल होता है इसमें कॉन्जेनाइटल में, ठीक है, इसमें एसोसिएशन होती है कुछ डिजीज़ के साथ, 3 डिजीज़ के साथ। 75% केसेस में DVD होगा, डिसोसिएटिव वर्टिकल डिविएशन, ठीक है। 70% पेशेंट्स में इंफीरियर ऑब्लीक मसल की ओवर एक्शन होगी। और फिर लास्ट 50% केसेस में लेटेंट निस्टैग्मस होगा, ठीक है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या क्या आ सकता है, हमने बोला था ना स्टैग्मस हो रहा है, इस वजह से निस्टैग्मस ब्लॉकेज सिंड्रोम हो सकता है, कॉन्जेनाइटल 6th नर्व पैल्सी हो सकती है, हो सकता है इस वजह से स्क्विंट हो रहा है, ठीक है, नर्व पैल्सी होगी। फिर स्ट्रैबिस्मस फिक्सस हो सकता है, और फिर एक और याद कर लें ड्वेन सिंड्रोम, ठीक है। ट्रीटमेंट इसकी क्या होती है, वही सारी होती है जो हमने की थी पीछे, रिफ्रैक्टिव एरर अगर है तो उसको सही करें, एम्ब्लायोपिया थेरेपी करें, ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज करें, अगर नहीं कुछ भी काम नहीं किया तो सर्जिकल करेक्शन, ठीक है। फिर ये था हमारे पास इज़ोट्रोपिया हो गया कॉन्जेनाइटल, फिर होता है एकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया, ये जो है सबसे कॉमन टाइप है और ये चाइल्डहुड में होता है, 6 मंथ्स के बाद होता है और 7 ईयर्स तक हो सकता है ये, ठीक है। और ये उनमें इन पेशेंट्स में ना अक्सर हाइपरमेट्रोपिया होता है, उस वाले में कॉन्जेनाइटल में कुछ भी नहीं हो रहा था ना, इसमें हाइपरमेट्रोपिया होता है। एंगल ऑफ डिविएशन वो वेरी करती है करीब और दूर में, ठीक है। इसके फिर फर्दर टाइप्स होते हैं, एक होता है रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया, फिर होता है नॉन रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया, ठीक है। अब जो ये रिफ्रैक्टिव वाला था ना उसमें फुली और पार्शली उसको फर्दर क्लासीफाई करते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या होती है, जो रिफ्रैक्टिव वाला होता है ना उसमें जो है ये सारा स्क्विंट वगैरह ये हाइपरमेट्रोपिया की वजह से हो रहा होता है, और वही ये 6 मंथ्स टू 7 ईयर्स तक हो सकता है। इसमें जो है ना हाइपरमेट्रोपिया होगा जिसकी वजह से इज़ोट्रोपिया हो रहा है, और इसमें AC/A रेशो नॉर्मल होगा। अभी हमने पहले भी किया कि हाइपरमेट्रोपिया में क्यों इज़ोट्रोपिया हो रहा होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट अभी हमने कहा था ना इसके दो होते हैं, एक फुल होता है एक पार्शली होता है, उसका मतलब यह है कि कुछ होते हैं जिसमें जब हम ट्रीट करते हैं ना उन्हें ग्लासेस से तो वो बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि ये पिक्चर में अभी इसको यहाँ पे थोड़ी सी स्क्विंट है ना, ग्लासेस दिए कि बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया, ठीक है, कुछ टाइम बाद। इसको बोलते हैं फुली अकोमोडेटिव इज़ोट्रोपिया। जो पार्शली अकोमोडेटेड है उसको जब हम ग्लासेस देते हैं तो वो थोड़ा सा तो सही हो जाता है, लेकिन फुली सही नहीं होता, फिर भी थोड़ी सी स्क्विंट रहती है, जैसे इसकी थोड़ी सी फिर भी रहती है, ठीक है। ट्रीटमेंट इनकी सारी वही हैं कि आप ये तो पहले तो वही है कि रिफ्रैक्टिव एरर सही करें, फिर एम्ब्लायोपिया थेरेपी करें, आंखों की मसल की एक्सरसाइज करें, और कुछ नहीं काम करें तो सर्जरी, ठीक है। फिर था दूसरा था नॉन रिफ्रैक्टिव टाइप, इसमें जो है ना डिविएशन सेम होती है डिस्टेंस और नियर के लिए, ACA रेशो इसमें बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो ये BSV जो बायनोकुलर सिंगुलर विजन है वो रिड्यूस्ड होती है नियर के लिए, और लेकिन डिस्टेंस के लिए नॉर्मल होगी, ठीक है। ये 3 बातें इसकी याद करना इम्पॉर्टेंट है। अब जो ट्रीटमेंट है इसकी वही है सेम जो हमने किया है, रिफ्रैक्टिव एरर को ट्रीट करें, एम्ब्लायोपिया थेरेपी करें, आंखों की एक्सरसाइज करें, कुछ नहीं तो फिर सर्जरी करें। या फिर आ जाता है हमारे पास एक्सोट्रोपिया, उसमें पहला 3 थे ना, कॉन्जेनाइटल था, इंटरमिटेंट था और कॉन्स्टेंट था।
जो कॉन्जेनाइटल है ये रेयर होता है, बर्थ पे प्रेजेंट होता है, इसकी एंगल ऑफ डिविएशन बहुत लार्ज होती है और ये कॉन्स्टेंट होता है, फिक्सेशन पैटर्न्स का ऑल्टरनेटिव होता है और रिफ्रैक्शन नॉर्मल होती है। इसमें यूजली न्यूरोलॉजिकल एनोमलीज होती हैं जिसकी वजह से ये हो रहा होता है, ठीक है। इसमें मोस्टली ट्रीटमेंट सर्जरी है, लेकिन बाकी सब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिक्स सर्जरी से ही होगा। इंटरमिटेंट जो है ये नाम से ज़ाहिर है 2 to 5 years में होगा, ठीक है, ये सबसे कॉमन टाइप है। और इसमें जो है ना डिविएशन वो मैनिफेस्ट होती है टाइम्स लेटेंट एट अदर्स, ठीक है, मतलब कभी होगी कभी नहीं होगी। ये जब मतलब कोई बंदा जैसे उसे फटीग होगा या उसकी तबीयत ख़राब होगी या फिर बहुत ब्राइट लाइट होगी ना, तो उस पेशेंट को डिविएशन होगी, एक्सोट्रोपिया होगा, ठीक है। ये डिविएशन एक आँख में भी हो सकती है या फिर ऑल्टरनेट भी हो सकती है, कभी किसी आँख में हो रही है कभी किसी में। फिर इसमें दूसरे सिम्टम्स भी हो सकते हैं सच एज ब्लरिंग, हेडेक, डिफ़िकल्टी इन प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ रीडिंग, ठीक है। कभी कभी जो है ना डिप्लोपिया हो जाता है। इसमें फोटोफोबिया भी हो सकता है कि मतलब जब ब्राइट लाइट आती है ना तो एकदम से आँख बंद हो जाती है, क्योंकि वही ना डैजल्स और एकदम से लगती है वो आँख, तो फिर वो बंद हो जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं डिप्लो फोटोफोबिया, मतलब डिप्लोपिया की वजह से उसके लाइट आके लग रही है आँख में। फिर होता है कॉन्स्टेंट एक्सोट्रोपिया, इसमें जो है जब इंटरमिटेंट वाला जो टाइप हमने किया है ना ये फिक्स नहीं होता तो फिर ये कॉन्स्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसका असेसमेंट सारा कुछ सेम है, ट्रीटमेंट भी इसकी बिल्कुल वही है, बस एक एक्स्ट्रा प्रिज्म थेरेपी भी इसमें करते हैं।